हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या लिखा है, इन ट्रायंगल एबीसी इज आइसोस्कलिस। यहाँ बोला ट्रायंगल एबीसी जो है आइसोस्कलिस ट्रायंगल है विथ एबी इक्वल टू एसी। यहाँ पर सिंपल से बात है, आइसोस्कलिस ट्रायंगल है मतलब दो साइड इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोल दिया कौन सा साइड इक्वल है, एबी बराबर है एसी के साथ। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, एक लाइन यहाँ पर दे दो, एबी इक्वल है किसके साथ, एसी के साथ, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला है AD इज द अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, ठीक है। तो AD इज द अल्टीट्यूड फ्रॉम A ऑन BC। तो AD एक अल्टीट्यूड है, कौन सा, देखो फिगर में देखो AD, ये रहा आपका AD। तो ये जो AD आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जो AD है, AD ये जो है अल्टीट्यूड है ट्राइंगल का, ये कहाँ से आया है, A से आया है, कहाँ तक गया है, BC तक गया है। तो यहीं पर बोला है AD इज द अल्टीट्यूड फ्रॉम A, मतलब A से निकल के कहाँ तक आया है, BC जो हमारा साइड है वहां तक आया है। AD is the altitude from A on BC, BC के ऊपर। फिर यहाँ पर सवाल हम बोला है कि is triangle ABD congruent triangle ECD, अगर ऐसा है तो क्यों है, why? और तीन मैचिंग पार्ट भी हमें लिखना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर सिंपल से पहले हम इसको congruent प्रूफ कर लेते हैं पहले। तो कौन से दो ट्राइंगल हमको लेने होंगे, मैंने आपको सिखाया था जो ट्राइंगल को उसने बोला है congruent प्रूफ करने के लिए, वही ट्राइंगल को हम कंसिडर करेंगे। तो हमें बोला है यहाँ पर ये ट्राइंगल को congruent करो इसके साथ, तो हम उससे नेमिंग लेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड दूसरा ट्राइंगल है हमारा ए सी डी, ए सी डी। तो हमने यहां पर दो ट्राइंगल कंसिडर कर चुके हैं। फिर यहां पर सवाल में क्या बोला है कि हमें ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, तो हमने ट्राइंगल ले लिया, हमने दो ट्राइंगल हमने यहां पर कंसिडर कर लिया। अब हम यहां पर पहले लिखेंगे कि ए बी इक्वल है किसके साथ, ए बी इक्वल है ए सी के साथ। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये आइसोस्कलिस ट्रायंगल है, बिकॉज आइसोस्कलिस ट्रायंगल है ना, इसलिए हुआ आइसोस्कलिस ट्रायंगल एबीसी, क्योंकि ट्रायंगल एबीसी क्या है, आइसोस्कलिस ट्रायंगल है। या फिर आपने यहाँ पर गिवन में अगर स्टार्टिंग में आपने यहाँ पर गिवन लिखा होता तो आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया होता कि ए बी इक्वल है एसी के साथ, ठीक है। तो आप गिवन यहाँ चाहो तो लिख सकते हो, बट मैंने यहाँ पर गिवन नहीं लिखा है इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में रीजन दे दिया कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आइसोस्कलिस ट्रायंगल है एबीसी, दैट्स वाई ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। अच्छा अब दूसरे पे आते हैं, पहला मैचिंग पार्ट तो हो गया, दूसरा मैचिंग पार्ट क्या करेंगे, दूसरा जो मैचिंग पार्ट है वो आपका होगा 90 डिग्री वाला होगा। देखो यहाँ पर जो सिंबल मैंने आपको दिखाया था ये आपका 90 डिग्री है, तो जिस जगह पर 90 डिग्री हुआ है उसका नेमिंग क्या होगा, ए डी बी, एंगल ए डी बी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए डी बी इक्वल है किसके साथ, एंगल ए डी सी, ए डी किस, ए डी सी के साथ। तो ये वाला दूसरा है जो 90 डिग्री यहाँ पर होता है हमारा, तो इस ये जो एंगल यहाँ पर मैं मुझे जहाँ जहाँ दिखा रहा हूँ वहाँ का नेमिंग क्या होगा बताओ, ए डी सी, एंगल ए डी सी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए डी सी, ये दोनों एंगल का मेजर कितना है 90 डिग्री, जो कि सवाल में हमें गिवन था। तो हम सिर्फ यहाँ पर रीजन लिखेंगे गिवन, ओके। अब आते हैं कॉमन पार्ट पे, तो ए डी इक्वल टू ए डी होगा आपका, तो ए डी इक्वल टू ए डी क्या है, कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर रीजन लिख दो कॉमन। अब ये देखो ये दोनों ट्राइंगल कौन से कंडीशन होगा, ये आरएचएस कंडीशन होगा, क्यों, देखो यहाँ पर देखो मैंने कहा था एक 90 डिग्री होना चाहिए जो कि है यहाँ पर देखो एंगल एडीबी इक्वल टू एंगल एडीसी। तो पहला कर यहाँ पर हो गया, दूसरा हम मैंने बोला था हाइपोटेन्यूज, ये दो चीज आप जरूर देखोगे, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए। तो अब यहाँ पर कुछ बच्चे पूछ सकते हैं हाइपोटेन्यूज सर आपने तो दिखाया नहीं, तो मैं कहूँगा यहाँ पर देखो ए बी इक्वल टू ए सी, ये है आपका हाइपोटेन्यूज। तो कैसे पता चला ए बी इक्वल टू ए सी हाइपोटेन्यूज है, इसलिए बोलता हूँ पहले वीडियो जाके देखो, वर्कशीट 4 का इंट्रोडक्शन वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा, डायरेक्ट वर्कशीट 4 पे मत आओ, ठीक है। इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बना के रखा है, जाके उसको पहले देखो। मैंने समझाया था कि 90 डिग्री के सामने जो होगा वही होगा आपका हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर 90 डिग्री के सामने कौन है, ए बी साइड है, और यह इस ट्राइंगल में कौन है, ए सी है, दैट मीन्स ए बी इक्वल टू ए सी जो साइड है हमारा, ये हाइपोटेन्यूज साइड है, ठीक है। तो एक हाइपोटेन्यूज साइड इक्वल हो गया, ये दो एंगल के जो मतलब कॉरस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गए, और यहाँ पर 90 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो थे 90 डिग्री, दोनों का मेजरमेंट 90 डिग्री है, और AD इक्वल टू AD, इसमें से कोई एक साइड ले लो, इसमें से AD इक्वल टू AD कॉमन है, तो ये तीनों हो गया हमारे RHS कंडीशन को पूरा सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे सो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD बाय RHS कंडीशन। तो हमारा यहाँ पर RHS कंडीशन में ये हो गया, तो RHS कंडीशन से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो ये हो गया हमारा बिट वन बिट टू, इसके हम दोनों ये चले आएंगे, हमने तीन मैचिंग पार्ट्स यहाँ पर लिखे हैं,
और हमने यहाँ बताया इस ट्राइंगल ए बी डी को डेसिड यस। यहाँ पे यहाँ आंसर लिखना यस, पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर होगा यस, यस इट इज कॉन्ग्रेंट। कौन सा कंडीशन हो गया हमारा ना, आर एच एस कॉन्ग्रेंस कंडीशन। आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन का आंसर यहीं पर लिखो, आर एच एस कॉन्ग्रेंस कंडीशन। ओके पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बोला तीन तीन पेयर ऑफ मैचिंग पार्ट दिखाओ, तो ये रहा तीन पेयर ऑफ मैचिंग पार्ट, ये रहा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, हो गया। थर्ड क्वेश्चन इज ट्रू टू से दैट बी डी इक्वल टू सी डी, क्या ये कहना ठीक होगा कि बी डी इक्वल है सी डी के साथ। देखो बी डी है कहाँ फिगर में, ये रहा बी डी आपका, बी डी इक्वल बोल रहे सी डी के साथ, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। बिट नंबर थ्री हम सिर्फ यहाँ पर ये लिखेंगे यस बी डी इज इक्वल टू सी डी, रीजन सिर्फ आप इतना लिखोगे ब्रैकेट में सी पी सी टी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल सी पी सी टी, ठीक है, सिर्फ इतना ही रीजन आपको देना है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर वर्कशीट फोर का क्वेश्चन नंबर वन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट फोर का सेकंड नंबर क्वेश्चन। ओके इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।